बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा आसफ, तुम 35 साल से सियालकोट के MNA हो, अगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम सियालकोट के लोगों को एक साफ पानी की बूंद नहीं दे सके, जबकि PTI के दौरे हुकूमत में साबका वजीर आजम इमरान खान और उस्मान डार ने सियालकोट में अरबों रुपये की लागत से 4 लाख अफराद के पीने के साफ पानी का आगाज किया। मुझे फख्र है मोहम्मदपुरा, अहमदपुरा और बाकी मादा यूनियन काउंसिल में अगले चंद रोज में पीने का साफ पानी मुयस्सर होगा। तुम झूठे बयान ना दे रहे हो और अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए सियालकोट के लोगों को गुमराह कर रहे हो कि PTI के दौरे हुकूमत में एक ईंट नहीं लगी। सियालकोट वालों, मेरा ये पैगाम इतना फैला दे इस झूठे शख्स तक पहुंच सके। शहर इकबाल सियालकोट तारीखी तरक्याती मंसूबों के साथ साथ फलाही मंसूबों के आगाज और तकमील में पेश रहा। इस सिलसिले में साबिक मुआवने खसूसी उस्मान डार ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। इन काबिले जिक्र मंसूबों में पीने के साफ पानी का एक अहम मंसूबा है। यूनियन काउंसिल मोहम्मदपुरा वाटर वर्क से शुरू किए गए मंसूबे का मकसद सियालकोट के 4 लाख शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करना है। उस्मान डार की स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी और अज़्म से मंसूबा न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल भी किया जाएगा, जिससे रहायशियों की जिंदगियों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सियालकोट को तामीर और तरक्की के इस सफर पे गामजन रखने के लिए 8 फरवरी को NA 71 में बेबी कार्ड पर मोहर लगाकर रेहाना डार को कामयाब करवाएं ताकि तरक्की का ये सिलसिला जारी रहे। तब भी था, आज भी है, सबसे पहले सियालकोट।